छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चुनावी दाव पेच बनाए जा रहे हैं। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ में नई बहस शुरू हो गई है। क्या है पूरी कहानी समझेंगे, पर उससे पहले ये बयान सुनिए। कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। तो टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भरे मंच से कहा कि केंद्र सरकार विकास में पूरा सहयोग कर रही है, जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा मिला। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं रायगढ़ पहुंचे थे, यहां उन्होंने प्रदेशवासियों को करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की भी पूरी कोशिश की और बस इसी के साथ सौगातों की सियासत शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री के सौगातों को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का सीधे सीधे कहना है कि हमारे हक की जो राशि है उसे केंद्र सरकार दे नहीं रही है, राज्य को उसका हक अब तक मिला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर क्या कुछ कह रहे हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगातों से प्रदेश की जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। और हमारे राज्य की जो बहुत सारी राशि जो जीएसटी की और अन्य मदों की है, प्रधानमंत्री आवास की है या अन्य मदों की राशि है, उसकी घोषणा करके जाते तो उसका एक अच्छा प्रतिशत प्रदेश को मिलता। लेकिन वो क्या क्या बोल के गए हैं पता नहीं, बोल भी ये भी बोले कि G20 की बैठक रायपुर में हमने किया है, अब पता नहीं किस जगह में उन्होंने मीटिंग की है। तो प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही आते हैं, लगभग 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आना उनका हुआ है और आते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय मत की राशि है, वो राशि जो हमारे हिस्से की है, उनको देने का प्रयास करना चाहिए। और तो वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परिवर्तन रैली पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अब तय कर लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मिटा देंगे। कहीं ना कहीं दौरे पर सियासत छत्तीसगढ़ में बदस्तूर जारी है। बंधुओं नमस्कार। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में सरकार की कुरीति के खिलाफ, छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भूख, भय और भ्रष्टाचार इस सरकार की कहानी बन चुकी है। दंतेवाड़ा से यात्रा तीव्र गति के आगे बढ़ रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बहरहाल चुनावी घमासान के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा जो है जारी है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता पर इन नेताओं के दौरे का क्या कुछ असर पड़ता है और किसकी सौगात जो है किसके सर पर ताजपोशी कराती है, यह देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे पिछले दिनों, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। एक तरफ जहां बीजेपी सौगात के बाद काफी खुश नजर आ रही है, बीजेपी का जो मोराल है वो काफी ज्यादा बूस्टेड नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस को सीधे सीधे ये 6,000 करोड़ जो है, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है यह अनुपयोगी समझ आ रहा है। सीधे सीधे कांग्रेस ये कह रही है, ये 6,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या है जब छत्तीसगढ़ के हिस्से के बाकी के जो पैसे हैं केंद्र सरकार रिलीज ही नहीं कर रही है। अब ऐसे में सवाल छत्तीसगढ़ में यह उठ रहा है कि इन 6,000 करोड़ रुपए के बाद और इसे पहले मिलने वाली तमाम सौगातों के बाद क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी होने वाली है।
अब इस पर चर्चा करने के लिए सौरभ जागृत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सौरभ साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है वो सौरभ जागृत जी से है, बीजेपी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 करोड़ रुपए देते हैं। सौरभ जी, आप लोग काफी उत्साहित है, आप लोगों की तरफ से तमाम तरह के पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस इन 6,000 करोड़ रुपए पर सवाल उठा रही है। आज ही शिव कुमार डहरिया जी की तरफ से कहा गया था कि केंद्र जो है बाकी की राशि दे नहीं रही है, और इसी तरीके से 6,000 करोड़ रुपए का भी 7,000 करोड़ रुपए की बात करके झुंझुना थमा देती है। जी, पूरी देश और पूरी दुनिया, छत्तीसगढ़ की जनता भी जान चुकी है। मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले आए थे जो 86,000 करोड़ का 10 परियोजना छत्तीसगढ़ को सौगात दिए थे। उससे पहले तकनीकी कारणों से सौरभ जी की आवाज जो है हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से सौरभ जी से जुड़ने की। फिलहाल सौरभ साहू जी के पास चलते, कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ जी, सीधे सीधे अगर आप लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया कि केंद्र सरकार जो है विकास योजनाओं में भेदभाव करती है, दूसरी तरफ कल भरे मंच से सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से किसी भी योजना पर कोई भेदभाव नहीं करती, जितना मांगा जाता है उसे कहीं ज्यादा मिलता है। क्या कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देना है? ये दो तरह की बातें क्यों हो रही है कांग्रेस की तरफ से? जी, जिसने जिस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम माननीय टी एस सिंहदेव जी को बुलाया गया था वो एक सरकारी कार्यक्रम था, और जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसके आधार पर उन्होंने मंच की गरिमा को रखा, क्योंकि वहां पर जो वाद विवाद वाली स्थिति है वो नहीं बननी चाहिए एक किसी सरकारी कार्यक्रम में, अगर वहां पर कोई विशेष सरकारी फंड की घोषणाएं हो रही हैं। इसके विपरीत जो बात है, आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने वहां रेल कॉरिडोर का की घोषणा की, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 3 सालों में जो जन सुविधाएं हैं, रेलवे के जो हालात हैं, यात्री ट्रेनों की जो हालात हैं, कभी भी 10 से 12 घंटे जो लेट चल रही है ट्रेनें, कभी भी किसी भी ट्रेन को उठा के अचानक रद्द कर दिया जाता है, तो इससे जनता बहुत परेशान है। तो जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आप खुद महसूस करेंगे कि पिछले 3 साल में जो ट्रेन की हालत है वो क्या हो गई है, और जो विभिन्न तरीके के जो कोटे हैं, जैसे सीनियर सिटीजन का कोटा होता था, स्टूडेंट, महिला, ये सारे कोटे भी जो कोविड के समय से बंद किए गए थे वो अभी तक बहाल हो नहीं पाए हैं। तो एक तरफ तो पीएम साहब जो है वो घोषणावीर बनते हैं और लगातार घोषणाएं करते जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान हालात है उसी विभाग की बात कर रहा हूं मैं, रेलवे की ही बात अगर नहीं, लेकिन 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 सौरभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर बयानों को सुने, बीजेपी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको अगर माने, तो केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उन्हें आप छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट नहीं होने देते। प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना की बात कर रहे थे, तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, आप इंप्लीमेंट नहीं होने देते, फिर केंद्र सरकार आपकी मदद कैसे करेगी? जी, लगातार जो सीएम भूपेश बघेल जी हैं, जो 7 लाख आवास पीएम आवास यहाँ पर पेंडिंग थे, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं। अगर आवास योजना की वो बात करते हैं, धान के लिए लगातार केंद्रीय पूल में जो चावल खरीदा जाना है उसका कोटा केंद्र सरकार लगातार कम करती जा रही है। अब भी आप देखेंगे, 4 दिन पहले की खबर है, 85 लाख मेट्रिक टन जो उनको खरीदना होता है उसको अचानक से उन्होंने 61 लाख मेट्रिक टन कर दिया। तो ये भेदभाव तो साफ साफ दिखता है राहुल जी, कि छत्तीसगढ़ के साथ किस तरीके से बारदाने की जो बात है, जो जूट बारदाने की जितनी मांग की गई थी वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से ये माना जाए कि केंद्र सरकार भेदभाव नहीं करती? इसके विपरीत आप देखेंगे, जैसे यूपी में देखिए या फिर एमपी में देखिए, तो वहां पर इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता, जो कि भाजपा शासित राज्य है। यहीं पर जो छत्तीसगढ़ है उनके साथ ही ये भेदभाव किया जाता है। और ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं प्रधानमंत्री आवास के, ये खुद केंद्र सरकार ने जारी किए हैं कि यहाँ पर जो पेंडिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, उसमें से इतने को रोका गया है, उसके लिए सीएम साहब ने पत्र भी लिखा है। चलिए ठीक है, ठीक है सौरभ जी, सौरभ जी कोशिश कर रहे हैं, एक बार सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, सीधी सीधी कहानी है,
बीजेपी एक तरफ कहती है कि केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाता है, कांग्रेस कह रही है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ सक्सेसफुली लाई नहीं जाती, जैसे कि अभी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चावल के आवंटन में कटौती करी गई है, बारदाना में कटौती करी गई है, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 7 लाख पीएम आवास जो है इन्हें वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। ये कहानी क्या चल रही है? दोनों आप दोनों एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे, बीच में पिस जो है छत्तीसगढ़ की जनता रही है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास होगा? और इस तरह के अगर एलिगेशंस सामने आते हो तो क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी कर पाएगी? जिस प्रकार से कांग्रेस की आरोप लगाई, आरोप एकदम पूर्ण रूप से निराधार है, क्योंकि जिस शासकीय मंच से भूपेश बघेल जी, इसके पहले जब मोदी जी आए थे, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया, और आज फिर मोदी जी कल आए थे तब आज उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा दिया और हमेशा देते आए। तो इसका कहने का मतलब है, ये स्वीकारते हैं कि केंद्र सरकार दे रही है, परंतु इससे साफ साफ समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है, कहीं ना कहीं चाहे वो आवास माध्यम हो, आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, आप जाकर जमीन में पूछिए, आवास योजना गरीब कल्याण लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, परंतु आधे को मिला है आधे को नहीं मिला है, ऐसा मिलने का कारण है भूपेश बघेल जी है, आधे डेटा उन्होंने भेजे, आधे डेटा नहीं भेजे। नल जल मिशन के थ्रू लोगों के घरों में पानी आना। तो सौरभ जी अगर उस बयान की ही बात करें जिसमें एक तरीके से टीएस सिंहदेव कहते हैं कि हम मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकारी कार्यक्रम था, प्रोटोकॉल था, तारीफ करनी मजबूरी थी, तारीफ करनी होती है। दूसरी तरफ सीधे सौरभ जी कहानी यह है कि जब एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सीधे कहते हैं कि नहीं भेदभाव हो रहा है, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने जो है बातों को लेकर मतभेद है, एक तरफ कुछ और कहा जा रहा है दूसरी तरफ कुछ और कहा जा रहा है, क्या कांग्रेस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही है? जी रहा है, खड़गे जी कहते छत्तीसगढ़ में कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, वही खड़गे जी का कार्यक्रम होता है तो उसी मंच के कार्यक्रम के पीछे बैनर में लिखा रहता है कांग्रेस है तो भरोसा है। इनकी जो विचारधारा है वो स्पष्ट क्लियर ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अंतर मतभेद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहा है, उप मुख्यमंत्री देख लीजिए, उन पर बयान आ जाता है कि मुझ पर जान से हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है, तो जिस प्रकार से इनके नेता और इनके उप मुख्यमंत्री और इनके मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं पर समन्वय नहीं बन पा रहा है, इनके कांग्रेस के कार्यालय में ही लड़ाई हो जाती है, एक दो नेताओं के कारण एक दूसरे पर मारापीटी की हालत हो जाती है, तो जिस प्रकार से कांग्रेस का रीति नीति रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और रही बात मोदी जी की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री यशस्वी, 9 साल का कार्यकाल हुआ, 9 साल सेवा सुशासन का, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने बार आए सौगात पे सौगात दी, तो जब वो सौगात दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, फिर क्या भूल के जा रहे हैं? वो सौगात शासकीय मंच से हो रहा है, उसी शासकीय मंच में इनके बड़े बड़े दिग्गज उप मुख्यमंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठे। अरे भाई, यदि छत्तीसगढ़ में कोई परेशानी है तो उनके मंच में रखने से परेशानी क्या है आपको? आप वहां से उतरने के बाद बाइट देते हैं कि हम जितना बोलते हैं उतना केंद्र सरकार नहीं देता, तो ऐसा दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी को नहीं अपनाना चाहिए, जनता देख रही है, जनता जनार्दन। चलिए ठीक है सौरभ जी एक बार वापस आपके पास लौटेंगे। सीधे बीजेपी का ये कहना है कि दो तरह के बयान दिए जा रहे हैं, सामने भी इस तरीके के बयानबाजी आ रही है कि एक तरफ जहां मन से कह दिया जाता है कि नहीं सब कुछ मिल रहा है, नीचे आते ही प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं भेदभाव हो रहा है, क्या जनता इससे कंफ्यूज नहीं होगी? क्या कांग्रेस के लिए बाउंस बैक करना ये मुश्किलों भरा नहीं हो जाएगा? क्या जनता के मन में एक तरीके का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है कि एक तरफ जहां मन से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की योजना में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, नीचे जो पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है सौरभ जी। जी, या कल का भी कार्यक्रम हो या इसके पहले जब सीएम साहब ने मंच शेयर किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो वो भी एक सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम में वाद विवाद की स्थिति ना बने इसलिए ये प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं। अमूमन सौरभ जी माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, लेकिन सौरभ जी कहानी ऐसे भी होती है कि जब भी मंच पर दो अलग अलग दल के अगर नेता होते हैं, प्रधानमंत्री दूसरे भी राज्यों में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री या फिर जो उस राज्य के मंत्री मंच पर मौजूद होते हैं वो अमूमन इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से थोड़ा बचते हैं। अगर उप मुख्यमंत्री इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सौरभ जी, तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री जो है मंच पर खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं और नीचे जो बाकी के लोग हैं वो अलग तरह के बयान दे रहे हैं। सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री के क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठाने लग जाएंगे ना, क्योंकि आम लोगों के मन में तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा, भले आप कितना भी जस्टिफिकेशन दे लें।
जी है वो वही है कि सरकारी जो कार्यक्रम है उसका राजनीतिकरण वहां पर हो रहा है। अगर राजनीतिक कार्यक्रम हो वो वहां पर, और जो हम यहाँ पर जो चीजों की मांग कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास के वेटिंग लिस्ट की मांग करें या केंद्रीय पुल में चावल के जो कोटा को बढ़ाने की बात करें, वो बाकायदा पत्राचार के माध्यम से किया जा रहा है, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है। वो तो हम मांग रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ना कि जो भाजपा शासित राज्य है उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। तो जब प्रधानमंत्री के तौर पे उनको देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी जो चाहे वो कोई भी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने चावल का भी उदाहरण दिया, रेलवे का भी उदाहरण। सौरभ जी बीजेपी से जो सौरभ जागृत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो केंद्र सरकार यहाँ के लिए योजनाएं इंप्लीमेंट करती है या फिर जो राशि भेजी जाती है वो कहा जाता है, क्योंकि सीधे सीधे ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार जो है तय करके बताती हुई कि छत्तीसगढ़ में ये राशि नहीं पहुंचनी चाहिए। सौरभ जागृत जी खुद देख लें कि केंद्र के ही आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले महीने डाटा रिलीज हुआ था प्रधानमंत्री आवास में कि राज्य ने अपना राज्यांश 78% तक रिलीज कर दिया है और केंद्र का जो अंश आना चाहिए उसमें वो 65% के आसपास रिलीज हुआ है, प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जो 7 लाख वेटिंग लिस्ट की बात है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ अपने राज्यांश देने की बात है तो दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों के भी तुलना में अपनी जो टारगेट है उससे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चाहे वो नल जल योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या दूसरे किसी भी स्कीम की बात हो, छत्तीसगढ़ को खुद केंद्र ने सराहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगातार 2 बार सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये केंद्र के द्वारा ही जारी किया गया डाटा है, उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र से अगर राशि आती है तो यहाँ उसका सदुपयोग होता है और राज्य भी अपना राज्यांश देने में पीछे नहीं हटती है। सौरभ जी इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि सीधे सीधे आप लोगों पर भी सवाल उठा रहे कांग्रेस की। आप एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हैं, मंच पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, यहां की योजनाओं को आप बड़े स्तर पर लेकर जाते हैं, ग्लोबल स्केल पर आप लेकर जाते हैं, मोटे अनाज की काफी तारीफ होती है जिसकी पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते दिखे थे, चल क्या रहा है? क्या बीजेपी के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई तोड़ नहीं है? क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस जिस तरीके से योजनाओं को सूचीबद्ध कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ है नहीं आपके पास कुछ? आपको मैं एकदम साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की तोड़ की बात ही नहीं है। कांग्रेस कुछ ही महीने बाद टूट कर बिखर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में बनने वाली है। और आपको बता दूं, यदि ये जो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, अरे भैया केंद्र सरकार जब जब मोदी जी आए उनको हमेशा छत्तीसगढ़ को सौगात दिया, अभी भी जो आए तो 63,000 करोड़ का विभिन्न परियोजना का सौगात दिया और क्रिटिकल केयर 9 जिले में क्रिटिकल केयर सेंटर खोलने का शिलान्यास हुआ और 10 में से तो एक व्यक्ति को सीकर सेल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए काउंसलर कार्ड भी बनवाया। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं, लेकिन सौरभ जी ये तमाम सौरभ जी मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, कार्यक्रम होता है आप कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको सब कुछ दे रही है, तो यदि आपको कुछ परेशानी है तो उसी समय निवेदन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तो प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, आप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, आपका दायित्व बनता है यदि छत्तीसगढ़ की जनता को कोई परेशानी हो रही है, यदि डेंगू से आप निराकरण नहीं कर सकते जो आज छत्तीसगढ़ प्रकोप पर फैल गया है, टॉप पर डेंगू के मरीज मर रहे हैं आज, यदि आप नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर सकते हैं, मंत्रालय से निवेदन कर सकते हैं। आप निवेदन करना छोड़, काम करना छोड़, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कांग्रेस का हमेशा से यही विचार रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं आते हैं। नहीं, लेकिन सौरभ जी सीधे सीधे यही कहना ना बीजेपी का कि आप मंच से क्यों नहीं कहते? अगर मंच से सबके सामने ऐसा रखा जाएगा, प्रधानमंत्री से अगर गुजारिश करी जाएगी या फिर उन्हें ये बताया जाए कि जीएसटी की राशि नहीं मिल रही है, पीएम आवास योजना में जो 7 लाख आवास है उन्हें प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो क्या प्रधानमंत्री भरे मंच से इस पर जवाब नहीं देंगे? जी, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर मैं ये पीएम आवास योजना या किसी भी केंद्रीय योजनाओं के बारे में, चाहे रेल की जो हालात है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसके बारे में दर्जनों चिट्ठियां जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब उन चिट्ठियों का लिखित जो शिकायत है उनका जब वो जवाब देना उचित नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि वहां भरे मन से जब वो
आधे घंटे एक घंटे के कार्यक्रम में आए तो इतनी सारी जो मांगे हैं या इतनी सारी जो बातें हैं उसको रखने का अवसर भी नहीं मिलता है, क्योंकि अपने प्रोटोकॉल होते हैं प्रधानमंत्री जी के, उनको भी जनता को संबोधित करना होता है। और चलिए ठीक है सौरभ जी, एक फाइनल सवाल आपसे ले लेते हैं, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। बीजेपी जो है परिवर्तन यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इस तरीके के सौगात देकर बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को और पुश दे रहे, एक तरीके से बीजेपी को संजीवनी बूटी दे रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जो है काफी मुश्किल होने वाला है? परिवर्तन यात्रा कर रही है, मुझे लगता है वो तो कांग्रेस की नकल ही कर रही है और कांग्रेस से ही सीख लेके वो लोग ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जानती है कि जमीनी स्तर पे काम किसने किया है और जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो जारी है उसका लाभ उनको अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि चुनावी समय। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा सौरभ जी आपको रोकने के लिए। सौरभ जागृत जी के पास एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सौरभ जी, आप लोग भी परिवर्तन यात्रा कर रहे, कांग्रेस कह रही है कि आप नकल उतार रहे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैक टू बैक पहुंचकर एक तरीके से आप लोगों को मोरली बूस्ट कर रहे, संजीवनी बूटी दी जा रही है छत्तीसगढ़ बीजेपी को, क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी बाउंस बैक करेगी एक बड़े मार्जिन के साथ? इस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ की हालत बन गई है, सिर्फ छत्तीसगढ़ घोटालों का गढ़ बन गया। और परिवर्तन यात्रा की यदि बात कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा था और आज जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की सच्चाई बताई जा रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सच्चाई बताई जा रही है, घोषणा पत्र जो ये ठगने का प्रयास किए महिला के माध्यम से, गाय के माध्यम से, गोठान गोबर के माध्यम से, आज इनके सभी नेता कोहले में जेल में बैठे हुए हैं, शराब में जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है सौरभ जी, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, समय की बहुत कमी है। शुक्रिया सौरभ जागृत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में पुश किए हैं, जहां बीजेपी से मोरली काफी ज्यादा बूस्टेड नजर आ रही है, तो कांग्रेस कह रही है बाकी के पैसे कहां हैं जो हमारे हक के हैं, यह सब तो सिर्फ झुनझुना है। अब जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पर वो विश्वास कर रही है, फिर भूपेश पर एक बार फिर से जनता भरोसा करने वाली है।